मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज उत्तराखंड सरकार ने UCC यानी समान नागरिक संहिता को विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया और अभी जल्दी ही लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड इस देश में आज़ादी के बाद पहला प्रदेश होगा जो समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदायों के लिए, केवल अगर हम आदिवासियों को छोड़ दें तो उसमें उनको छोड़कर बाकी सब यहाँ कानून, नया कानून लागू होगा यानी सबके लिए बराबर होगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि 23 सितंबर 1948 को जब संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस पर डिस्कशन किया कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो KM मुंशी उन्होंने इसकी पुरजोर मांग की थी कि UCC इस देश में लागू होना चाहिए और एक ही विधान होना चाहिए। और उसमें जो इमाम हुसैन साहब थे उस समय बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे, अभी आप पहले संविधान को पास करा लो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो इंतज़ाम कर लिया है। और उन्होंने क्या इंतज़ाम किया था, उन्होंने जो हमारा संविधान के खंड 4 है उसका अनुच्छेद 44 में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में उन्होंने प्रावधान कर दिया कि हर राज्य की जिम्मेदारी होगी कि अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करें। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को 75 साल हुए संविधान लागू हुए, अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया 75वां, लेकिन हम कोई राज्य इसके लिए तैयार नहीं हुआ। केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो पुर्तगालियों के समय से है। जब पुर्तगालियों का राज था तो जब वो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ तो वो विरासत में उनको मिली कि वहाँ समान नागरिक संहिता 1963 से ही वहाँ है। अब उसमें हमारे देश में जो BJP ने डिमांड की थी और ये RSS का एक बड़ा कोर इशू रहा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो BJP ने भी उसको अपने कोर एजेंडे में शामिल किया। BJP ने जो 3 इशू थे, एक तो आपका अनुच्छेद 370 हटाना जम्मू कश्मीर से, दूसरा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, और तीसरा था कि समान नागरिक संहिता लागू हो। तो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अनुच्छेद 370 हट चुका है, और अब UCC एक राज्य ने लागू कर दिया, BJP रूल्ड स्टेट ने यानी BJP शासित राज्य ने। और जो बाकी स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, असम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने कह दिया कि हम भी UCC के लिए अब हम काम करेंगे। तो जब राज्य काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये संविधान में राज्यों को ये शक्ति दी हुई है कि आप करो, तो राज्यों को करना चाहिए। तो उसमें उत्तराखंड ने एक नज़ीर पेश कर दी है कि ऐसा हो सकता है, और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ कैसे हो सकता है? इस्लाम में एक जो बुरी परंपरा है कि एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है, वो क्यों करेगा 4 शादी? एक महिला, वो महिला भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो भी किसी घर से, क्या उसके साथ अत्याचार नहीं है? क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं है कि आप एक पत्नी के होते हुए 3 और पत्नियां ला सकते हैं? तो समान नागरिक संहिता में ये हो गया कि अगर आपकी पहली पत्नी जीवित है या आपने प्रॉपर तलाक दिया है तो तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा जो फायदा है कि एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में रह ले, जैसे कि एक नई हमारी जो पौध आई है वो लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करती है कि आप कुछ दिन किसी के साथ रहो, कुछ दिन किसी के साथ रहो, मत रहो, फिर छोड़ दो। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपके वही अधिकार होंगे जो एक पत्नी के होंगे। अगर कोई बच्चा पैदा होता है इस लिविंग रिलेशन में तो उसको वही अधिकार होंगे जो एक आप रेगुलर शादी के से पैदा हुए बच्चे को होता है, यानी आपके पूर्ण अधिकार मिलेंगे। संपत्ति का अधिकार, जो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है यानी पिता की जो संपत्ति है वो बेटों में बेटियों में बराबर बंटनी चाहिए। अगर बेटे की डेथ हो गई तो जो पत्नी है यानी जो बहू है वो बूढ़े माँ बाप को ध्यान रखे। तो इतने अच्छे इसमें प्रोविज़न किए हुए, इसमें किसको दिक्कत होनी चाहिए? क्यों लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि इस्लाम के खिलाफ है वो बिल्कुल गलत कहता है। इस्लाम में अगर कुछ कहीं गड़बड़ी है उस गड़बड़ी में सुधार होना चाहिए। और ये समाज का, हमारा इंसान का ये धर्म है हमारा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार की गुंजाइश है। जैसे हम नित नए, हमारे यहाँ अनुसंधान हो रहे हैं, नित नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सुधार ही तो हो रहा है। पहले हम कलम से लिखते थे लेकिन आज स्मार्टफोन आ गए, हम कितने जल्दी अपना काम कर लेते हैं। मेडिकल में आप देखिए, मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है कि आज जो हम
हमारे देश में जो एवरेज एज थी वो 45 साल थी, आज वो बढ़ के 70 साल हो गए। मेडिकल साइंस के कारण हुई ना, प्रोग्रेस के कारण हुई। तो ऐसे ही अगर हमारे समाज में, किसी भी समाज में, इस्लाम में क्यों, हिंदू में, सिख में और ईसाई में, वहाँ भी अगर कोई किसी तरह की कोई अगर कुरूति है, उस कुरूति को दूर किया जाना चाहिए। और उस कुरूतियों को दूर करने के लिए बड़े बड़े समाज सेवकों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो आज का जो कानून है UCC, ये देश के लिए एक नज़ीर बनेगा और बाकी राज्यों को भी इसे अडॉप्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार को इसको एक मॉडल लॉ की तरह बनाना चाहिए, क्योंकि ये कानून बहुत अच्छे से बना है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया और इनके साथ जो 5 लोगों की टीम थी वो बहुत ही विद्वान लोगों की टीम थी। तो इसलिए ये इस कानून में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी जो खामियां हैं वो दूर हो सकती हैं और इस कानून को हम और अच्छे से, यानी कोई कमी है तो उसको भी दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा और UCC लागू हो गया, इसका स्वागत कीजिए, विरोध मत कीजिए। इससे सबको, पूरे समाज को फ़ायदा होगा, एक देश में एक कानून होगा, इससे बढ़िया और कौन सी बात है। परंपराएं रहनी चाहिए, क्योंकि परंपराएं नहीं टूटनी चाहिए। जो परंपरा है, आपका शादी करने का क्या तरीका है, आपके घर में कैसे रीति रिवाज है, उसको आप मेंटेन करिए। लेकिन जो कुरूतियाँ हैं उसको मेंटेन मत करिए, वो किसी भी समाज में उसका, उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।